ओम शांति एवरीवन। वैशाली जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है। हम सब, ऐसे तो मुझे लगता है कि हम सब हमेशा ही कनेक्टेड हैं, दिल से हमेशा कनेक्टेड हैं, भाग्य से हमेशा कनेक्टेड हैं। और जब इस तरीके से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। और बाबा जब ऐसा मौका देते हैं कि हम अपने परिवार से मिले, एक्सटेंडेड फैमिली से मिले, तो दिल बहुत खुश होता है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट इज माय प्रिविलेज एंड माय एब्सोल्यूट प्लेजर आप सबसे आज रूबरू होने का। सो जब टॉपिक क्लास के लिए लेने को बोला था, तो मेरा पर्सनली जो जिस तरह का जर्नी रहा और जिस तरह का मेरा अप्रोच रहा, वो हमेशा यही था कि स्पिरिचुअलिटी को हम किस तरह से क्लैरिटी के साथ अपने जीवन में अपनाएं। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था कि आध्यात्मिकता या बाबा का जो अनुभव है वो एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट हमें दिया जाता। ये मैंने उसे इसी प्रकार से ही समझा। बिकॉज उस अनुभव के लिए मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, और शायद मैं उसको कॉन्शियसली ढूंढ नहीं रहा था। परमात्मा को बचपन से मुझे ऐसा फील होता था कि गॉड इज माय फ्रेंड, गॉड इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन परमात्मा को अनुभव कैसे करते हैं, ये शायद कॉन्शियसली नहीं सोचा था। लेकिन मैं खुशी को जरूर सीख करता था, कॉन्शियसली सीख करता। सो जैसे कॉलेज में हम खुशी को घूमने फिरने में, रिश्तों में, अच्छी जगहें देखने में, कुछ नया ट्राई करने में ढूंढते हैं, वैसे ही मैंने ढूंढा। और वो जो टेम्परेरी वाली खुशी होती है उसको पाया भी, और कुछ ही किसी नेगेटिव तरीके से नहीं, बहुत पॉजिटिव ही वो एक्सपीरियंस था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि सिस्टर शिवानी, आई थिंक बहुत टाइम से, यू नो, शी इज बीन पॉपुलर एंड इतने प्रोग्राम्स उनके आते थे, बट मुझे ना कुछ आध्यात्मिकता के बारे में पता था, ना ही कुछ ज्ञान के बारे में पता था, कुछ भी नहीं पता। तो 2017 में मैंने एक वीडियो देखा उनका, जो मेरे डैड ने मेरे साथ शेयर किया था। तो कुछ नहीं पता मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में, इवन ज्ञान के बारे में, लेकिन वो जो उनके चेहरे पे जो मुझे खुशी और स्थिरता दिखी, मुझे लगा मेरे को ये वाली खुशी मुझे चाहिए, जो मुझे पार्टीज में और चीजों में मिलती है, वो खुशी की रिफ्लेक्शन है, खुशी नहीं, बिकॉज वो रोज चेंज होती है। तो बस उनको सुनना शुरू किया, और एक सीरीज है हीलर विदिन, तो वो सीरीज मैंने सुनना शुरू किया। तो उसका 40th एपिसोड में जाके वो राज थिंक्स वो फ्रोजन हो गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर
आपके क्या प्रश्न हो सकते हैं, इफ इवन इफ जस्ट आप अगर टॉपिक ही सुना है, जब तक भाई साहब आते हैं तब तक हम अपने तरफ से हमारी जो भी क्वेश्चंस है, या हमें इस आज मुझे इस टॉपिक से क्या लेना है, एम्ब्रेसिंग द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद क्लैरिटी, ये टॉपिक मुझे क्या कहता है, और मुझे व्हाट व्हाट आई वांट टू टेक आउट ऑफ दिस टॉपिक. हम चैट ऑफ कॉल कर रहे हैं, आप चैट में लिख सकते हैं कि आपको ये क्लैरिटी की टॉपिक से व्हाट इज क्लैरिटी, दैट्स गुड. तो श्वेता जी ने कहा व्हाट इज क्लैरिटी, और कोई प्रश्न है आपका, क्लैरिटी किसको कहा जाता है? अगर मैं हूं तो मुझे तो ऐसा है कि क्लैरिटी होने से हमें फायदे क्या क्या होते हैं, वाई क्लैरिटी, व्हाट इज क्लैरिटी बट वाई क्लैरिटी. नेक्स्ट, और कोई 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 आपका प्रश्न है? हाँ जी, यू कैन एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. क्लैरिटी होने के लिए कौन से स्टेप्स चाहिए? हाउ कैन वी गेट दैट क्लैरिटी द स्टेप बाय स्टेप? ओके, हाउ कैन वी गेट क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. दिनेश भाई जी को, दिनेश भाई जी विथ आस, उनको कोहोस बनाई. और कौन से प्रश्न है आपके क्लैरिटी के बारे में? द बेनिफिट्स ऑफ द क्लैरिटी. बेनिफिट्स ऑफ द क्लैरिटी, गुड. भाई साहब जब तक आप जुड़ रहे थे हम पूछ रहे थे कि व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ टुडेज सब्जेक्ट. तो कई एक बहन ने कहा व्हाट इज क्लैरिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग क्लैरिटी, व्हाट इज अ स्टेप बाय स्टेप वी कैन मूव टुवर्ड्स अ क्लैरिटी. I'm so sorry. There was some fluctuation in the internet, but we are back. So I was just telling you my own experience, how I embarked on this journey. So jab experience hua na, to acceptance nahi aayi. Because hamesha se jaise sunte hai na, that Paramatma ko paana bahut mushkil cheez hai aur uske liye to hum bahut kuch karna padta hai aur तपस्या करनी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, बहुत टाइम तक योग में बैठना पड़ता है. तो एक्सेप्टेंस नहीं आई, मुझे लगा कि मुझे बस अच्छा फील होता है, मे बी आई एम जस्ट फीलिंग गुड, दिस कैन नॉट बी गॉड, दिस कैन नॉट बी द अल्टीमेट एक्सपीरियंस विच पीपल आर सीकिंग. लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि हम आज के टॉपिक में आए. तो एक्सपीरियंस एनहेंस होता रहा, वो बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ, और वो मेरे साथ हमेशा रहना शुरू हो गया. तो वहां से एहसास हुआ कि ये सच तो है, और उसके बीच में बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए, लेकिन एक बहुत क्लियर बाबा ने अनुभव और टचिंग दी थी बहुत ही बिगिनिंग से, कि ये जो गिफ्ट हमें दिया जाता है इसका जो यूज है वो सिर्फ हमारे हमारे तक सीमित नहीं होता. कोई भी चीज जब बहुत मूल्यवान हमें मिलती है तो वो हमारे लिए ही नहीं होती सिर्फ, उसका एक इम्पैक्ट, उसका एक यूज दूसरों के लिए भी होता है. और आई थिंक वही तो हमसे बाबा करवाना चाहते हैं ना, वो परिवर्तन ही तो वो हमारे द्वारा लाना चाहते हैं. इसलिए कहते हैं सैंपल बन के एग्जाम्पल बनो, कि अपने अपने चेंज से आप दुनिया में चेंज ला. तो हमेशा कोशिश किया कि मैं हर चीज को पहले समझूं, फिर उसको एक्सेप्ट करूं. बाबा को मुझे तो मैं बहुत इजीली अनुभव कर पाता था, लेकिन मुझे बताना कैसे है, क्या है जो मैं महसूस करता हूं, वो उसके लिए मैंने बहुत पढ़ा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे बताऊं, व्हाट डू आई फील, राइट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है एम्ब्रेसिंग स्पिरिचुअलिटी विद क्लैरिटी, इसके तीन पहलू हैं जो बाबा ने टच करवाए आपसे सबके साथ शेयर करने के लिए. वो है कि
पहला उसका पहलू है कि मुझे क्या मिला है, मुझे मिला क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो चीज क्या है, और दूसरा वो मुझे क्यों मिला है, क्या मैंने उसको ढूंढा है या वो मुझे मिला है, क्या मैंने उसको पाने की कोशिश की है या वो मुझे दिया गया, और तीसरा है कि वो मुझे किसके लिए मिला, उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है। सो जो पहला एस्पेक्ट है कि मुझे क्या मिला है, उसको देखने का एक होता है फिलोसफिकल एस्पेक्ट, थोड़ा सा उसमें इमोशनल हम ज्यादा होते हैं, भक्ति वाला भी फील आता है उसमें वो बुरा नहीं है, वो बहुत सुंदर है वो वाला भी, उसको देखने का जहाँ पे हम कहते हैं कि मुझे बाबा मिला है, मुझे भगवान मिले हैं हम उस नशे में रहे। और एक होता है कभी बैठ कर ना चर्न करना उस पर कि मुझे क्या मिला है, उसको प्रैक्टिकली चर्न करना। जैसे मैं जब उसको अपनी एज के हिसाब से प्रैक्टिकली देखता हूँ, और जब मैं ऑफिस में हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ, और जब उनकी बातें मैं सुनता हूँ, तो मुझे जो रियलाइज होता है कि मुझे क्या क्या मिला है, तो मुझे रियलाइज होता है कि मुझे तो अगर मुझे परमात्मा नहीं मिलते, बाबा नहीं मिलते, मुझे ये प्यारा अनुभव नहीं होता जीवन में, तो मैं कितना बोर्ड होता। मेरी एज के सब लोग बोर्ड बहुत हैं, राइट। हम क्यों इतनी वेब सीरीज देखते हैं, या हमें क्यों इतनी हॉलीडेज चाहिए, या हमें क्यों इतने स्टिमुलेंस चाहिए, बिकॉज हम बोर्ड हैं जीवन, राइट। मैं कॉन्वर्सेशन जब सुनता हूँ ना, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि क्या मिला है मुझे। मेरे कहने का भाव है कि आप सबको ना आपके जीवन में प्रैक्टिकली देखो कि आपको क्या मिला हुआ है। सपोज आप अपने कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बच्चों के साथ बैठे, जो शायद उनमें से कुछ सोल्स ज्ञान में नहीं है, चर्न करो उस पर कि आपको ऐसा क्या मिला है जो आपको उनसे डिफरेंट करता है, बिकॉज आपकी बातें डिफरेंट होंगी, राइट। मेरा वीकेंड मेरी स्टडीज के लिए होता है, मेरी सेवा के लिए होता है, या अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, तो वो एंटरटेनमेंट की क्वालिटी बहुत अलग होती है। एक होता है खालीपन के साथ किसी चीज को एंजॉय करना ताकि ये मुझे भर दे, और एक होता है जीवन जीना वो कि मैं पहले ही भरा हूं, मुझे और कोई चीज भर ही नहीं सकती। अगर खालीपन है तो वो परमात्मा भर सकते हैं, वो मेरा योग भर सकते, बाकी सब बोनस है। ये इसको आज इसको चर्न करना बहुत सुंदर, ये एक एनालॉजी है जिसपे मैं हमेशा जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम काम करते हैं ना, एक सैलरी होती है और एक बोनस होता है। सैलरी हमारा सर्वाइवल है, बोनस इज एक्स्ट्रा। बोनस दिवाली पे मिलता है, या प्रमोशन पे मिलता है, या कुछ और कुछ स्पेशल इवेंट होता है तो मिलता है, बट बोनस एक्स्ट्रा लगता है। बोनस नहीं भी मिले तो मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसी हमारा कनेक्शन बाबा के साथ, हमारा सर्वाइवल बाबा से है। मुझे वो एक मूवी, वो एक मील, वो एक व्यक्ति का संग बोनस है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर बट कमी तो मेरे जीवन में कोई हो नहीं सकती, बिकॉज सैलरी तो आ रही है ना बाबा से, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। जैसे दादी जानकी कहते थे ना, जो भी आत्मा को चाहिए वो परमात्मा मिले। सो ये जब प्रैक्टिकलिटी से हम देखेंगे ना कि मुझे मिला क्या है, तो अपने आप को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और बहुत ज्यादा मन में ग्रेटिट्यूड फील होता है, अपना भाग्य प्रैक्टिकली फील होता है। हमारी मेरी एज पे स्पेशली जैसे सोल्स है ना, कैसे बात करते हैं, ओ वी वेंट टू दैट प्लेस एंड वी हैड दैट टिक्का, दैट वाज सो नाइस, हैव यू एवर ट्राइड दैट केक फ्रॉम दैट प्लेस, इट वाज सो, वो इस चीज से ही ब्लिस फील करने की कोशिश करते हैं। और बाबा हमको क्या देते हैं, हमको क्या मिलता है, हमको परमानंद मिला। जब बहुत अच्छा योग लगता है
तो चीज केक पास्ता पिज्जा ये सब याद आता है? कुछ कुछ नहीं याद आता, तब हम भर जाते हैं पूरे। बाबा हमें परमानंद की फीलिंग देते हैं। जनरली हम जब धारणाओं की बात करते हैं, मैंने पर्सनली धारणाओं को भी बहुत प्रैक्टिकली समझा, बाबा ने अनुभव भी वैसे ही दिए। मुझे ये चीज कभी समझ ही नहीं आई कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये छोड़ना होता है। कुछ भी हमें, कौन सी चीज हमें छोड़नी, कौन सी चीज है हमें अपनाना होता है बाबा। वो छोड़ने वाला काम पे फोकस ही नहीं करना, वो खुद ब खुद छूटता है, बिकॉज जो हमें मिलता है वो बहुत वैल्यूएबल है। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव टू ईट आउट, आई डोंट वॉन्ट टू ईट आउटसाइड, नो वो केस नहीं है। आई विश टू नॉट ईट आउटसाइड, बिकॉज इफ आई डू दैट इट्स गोइंग टू स्पॉइल समथिंग विच इज मोर वैल्यूएबल विच आई ऑलरेडी रिसीव। इससे हमारा परसेप्शन चेंज होता है, बिकॉज मुझे क्या मिला है वो हमारी अवेयरनेस में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोग हैं और 10 लोग कुछ खा रहे हैं और मैं बाहर नहीं खाता, तो मुझ में वो पहले लैकनेस होगी, फीलिंग होगी बेचारापन ऐसे, क्योंकि अगर नशा नहीं होगा, अगर प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर वो लैकनेस दिखेगी, फिर हम दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कहें सपोज 10 लोग हैं लंच पर, हो आप, आपको पता है वहां का वाइब्रेशन आपको पसंद नहीं आ रहा, वो जगह के लिए ठीक नहीं है, प्रैक्टिकली आपको फील हो रहा है, और आप कहो कि नहीं आई डोंट ईट आउट, तो वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इतना क्या हो गया। जैसे मुझसे भी कई बार लंच में क्वेश्चन कर लेता है, इतना क्या हो गया, खा सकते हो? तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि परमात्मा एक एनर्जी है, वो एनर्जी जब आप अपने अंदर फील करते हो तो आपको वो एनर्जी सस्टेन भी करनी पड़ती है, बिकॉज उसी एनर्जी के थ्रू ही तो आप सेवा कर सकते हो, और किसके थ्रू सेवा करते हो? तो अगर मैंने ये खाया तो इसका इफेक्ट उस एनर्जी पर होगा, और उसका इफेक्ट एनर्जी पर होगा, तो मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए मैं ये नहीं खा सकता, तो उनको समझ आएगा। सो यहाँ पे इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट व्हाट डू वी हैव टू लीव, देयर इज नथिंग व्हिच बाबा आस्क्ड अस टू लीव। हमको क्या छोड़, कुछ नहीं छोड़ना, अपनाना जो है फोकस उस पे रखना। अगर जो मिला है उसकी अवेयरनेस रहेगी, मुझे क्या मिला है, तो जो उस क्या मिलने को कम कर देगा वो मुझे अपने आप ही पसंद नहीं है, बहुत ऑटोमेटिक है। और फिर दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है कि ये मुझे क्यों मिला। क्या हम ऐसा आज तक समझते हैं या समझ पाए हैं कि हमने बाबा को ढूंढा, हमने ज्ञान को ढूंढा, हम इतने वाइज थे, हम इतने प्रोफाउंड थे कि हमने एक दिन सोचा कि चलो आज अपने आप को अच्छा बनाते हैं, चलो कुछ अच्छा करते हैं। ऐसा तो बहुत लोग सोचते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो सोल्स हैं कि व्रत रखते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, पर्टिकुलर डेज पर अपने कलर फेवरेट, वो उनको उनके हिसाब से वो रंग डालना चाहिए, वो परमात्मा का रंग है, या वो कुछ कुछ घर में पूजाएं करवाते हैं, फेस्टिवल रखते हैं, वो भी यही सोच के, वो भी यही सोचते हैं कि कि ये हम परमात्मा को खुश करने के लिए है, या हमें परमात्मा से भक्ति करनी है, या हमें उनसे ब्लेसिंग रिसीव होती है। लेकिन हमें ये सच में पूछना है कि जिस क्लैरिटी के साथ, जिस सुंदर एसेंस के साथ हमने बाबा का अनुभव किया है, उनकी प्रेजेंस का अनुभव किया है, वो मुझे मिला क्यों है, और वो मैंने लिया है या मुझे दिया गया।
अगर बाबा की ग्रेस नहीं हो, अगर वो ना चाहते हो कि मुझ आत्मा को उनका अनुभव हो, तो अनुभव कभी हो नहीं सकता। ग्रेस को ना मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे स्कूल में हम होते हैं तो अगर हम स्टडी में थोड़ा वीक भी हो और हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा हो तो टीचर हमको ग्रेस मार्क्स देता है, पास कर देते हैं, कोई बात। हम सब उसी ग्रेस से चलते हैं। हमको बाबा ने देखा, हमारे कुछ पास्ट कर्मस को देखा जो हमें नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ अच्छे कर्मस होंगे। बाबा ने बोला ये बच्चा बहुत प्यारा है, इसको ग्रेस देता हूँ इस बार, इस जब ये बैठेगा ना आज अमृत वेला तो मैं इसको टच कर दूं। वो अगर ना चाहे, अगर ग्रेस नहीं हो तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो हमारा जो खुद को देखने का नजरिया है, मैं हमेशा कहता हूं कि खुद को अब अपनी आंखों से देखना बंद कर दो, अपने आप को अब बाबा की आंखों से देखो। आपको कौन ऐसी आपको अनुभव हो गया, अच्छा आप बहुत महान आत्मा थे, आपने बहुत अच्छा योग किया और आपको अनुभव हो गया, नहीं। आप में कुछ बहुत प्यारी क्वालिटीज हैं जो बाबा ने देखी है, तब वो आपको अनुभव देती है। सो अभिमान नहीं लाना हमें, कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमें बहुत घमंड हो जाए उस पर, बट एक अपने आप पे वो जो सेल्फ वर्थ है वो हमारा बहुत इनहेंस्ड होना चाहिए, वो बहुत हाई होना चाहिए। मुझे परमात्मा पसंद करते हैं, मुझे परमात्मा प्यार करते हैं। मैं ऑफकोर्स बहुत प्यारी हूं, मुझमें जरूर कोई गुण देखा होगा उन्होंने, जिसको परमात्मा ने प्रेम कर दिया तो उससे फिर एक्सेप्टेंस लेवल बहुत आता है आपको। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है जो जितना आपको लगता है कि उनको आपके साथ वेल बिहेव्ड होना चाहिए उतने नहीं, ठीक है, तो मन में ये ख्याल रखना कि कोई बात तो खुद का कुछ संस्कार है, मुझे तो परमात्मा प्यार करता है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे अपने आप के प्रति रिस्पेक्ट इंक्रीज होता है, और हम जो बार बार इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, ये सारी चीजें रिमूव होती हैं धीरे धीरे। ये याद रखना है, हमेशा अपने आप को बताते रहना है कि मुझ में कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी, मेरा कुछ अच्छा कर्म था, या मेरे कुछ दिल में कुछ सच्चाई थी तो मुझे बाबा मिले, तो मुझे परमात्मा मिले। जैसे जब मैं, अभी नहीं बोलते मेरे पेरेंट्स, लेकिन पहले व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते थे कि तू थोड़ा सा बुद्धू है, थोड़ा चिल्लाक बन, तू बहुत बुद्धू है, बहुत सीधा है, तो दुनिया इतनी होती, ऐसा मुझे बोलते थे। तो अभी मैं उनको जब भी मुझे बोलता हूँ, देखो मैं बुद्धू था तो मुझे परमात्मा मिल गया, चिल्लाक को मिलते हैं क्या? तो कि मैं देखो बुद्धू था कोई प्रॉब्लम नहीं, बुद्धू को भगवान मिला ना, है ना। तो अपने प्रति वो प्यार, अपने प्रति वो रिस्पेक्ट, उससे हमें शक्ति मिलती है अपने आप को बेटर करने, उससे हमें वो एनकरेजमेंट मिलती है अपने आप को आइडेंटिफाई करके, अपनी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको यूज कर। और तीसरा क्लैरिटी का एस्पेक्ट होता है कि मुझे ये किसके लिए मिला। अभी मैं आपको एक बहुत फनी बात बताता हूँ, आप सब हंसोगे भी, लेकिन क्योंकि बाबा से आप सबको प्यार है तो आप उसको मान भी लोगे कि हाँ ऐसा हो सकता। सो तीन साल तक मुझे ना बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होते थे, और छोटा सा आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट कि कैसे ये क्लियर हुआ कि हाँ मुझे मिला है, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ अब क्वेश्चन नहीं करना। सो मैं सेंटर जब जाना शुरू किया मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में, तो पहले ही एक तो ये था कि जो मिला है शायद बस एक फील गुड फैक्टर है। फिर वहां पे जाके ना दीदी के साथ बहुत सारे सोल्स को बात करते हुए देखा, कह रहे थे कि ना दीदी योग नहीं लगता,
अमृत वेला स्ट्रांग नहीं होता। फिर मैं बिल्कुल ही पीछे हट गया अपना एक्सपीरियंस बताने। मैंने बोला ये इतने साल से यहाँ पर आते हैं, इनका एक्सपीरियंस स्ट्रांग नहीं है, मुझे कैसे, मेरा मुझे क्यों फील होता है कि मेरा योग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आ रही। मैं मेरे मन का कुछ वहम, मुझे कुछ नहीं पता था ब्रह्मा बाबा का पूरा डिटेल बैकग्राउंड मुझे नहीं पता। तो एक बार शाम का वक्त था और मैं गार्डन में बैठ के योग कर रहा था, तो आंखें बंद थी और फ्लूट म्यूजिक मैं सुन रहा था। कभी मैंने कृष्ण की भक्ति या ऐसा कुछ नहीं किया हुआ लाइफ में, और मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे कृष्ण दिखे, कृष्ण भगवान दिखे। उनका वो जो बालक वाला रूप होता है ना, वेयर ही इज द बेयर बॉडी एंड धोती धोती डाली हुई है, गले में माला है, मोर का पंख है, तो वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि आप मेरे साथ डांस करो, ऐसे मैं मुरली म्यूजिक सुन रहा हूँ और वैसे उनको इशारे कर इशारे कर। बहुत क्लियर, बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, मुझे कुछ पता नहीं, हाँ बस मैं बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत नशा चढ़ा। मैंने जाके दीदी को बताया, पहली बार मैंने एक्सप्रेस किया कि मुझे कुछ फील होता है। तो मैंने दीदी को बोला कि कल योग में ऐसा हुआ, बहुत इंटॉक्सिकेटेड फील हुआ, बहुत डीप फील। दीदी कुछ बोले नहीं, देखते रहे। फिर दीदी ने मुझे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की वो किताब दी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो सोल्स बिल्कुल बिगिनिंग में बाबा के पास जाते थे उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और उसमें ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से एज वाले कृष्ण दिखते थे। मैं इतना शॉक्ड हो गया, मैंने बोला, और मैं बोलता रहता था बाबा को कि प्रूफ क्या है कि ये भगवान है। मुझे तो मैं वैसे भी खुश इंसान हूँ, फील गुड फैक्टर भी हो सकता है। तो फिर मुझे ना रियलाइज हो गया कि बस उसको क्वेश्चन नहीं करना, ये तो अब तो ऑफकोर्स बहुत क्लैरिटी है, तब क्लैरिटी नहीं थी बिकॉज बहुत नया था। तो उसके बाद योग से चलता रहा, परिवर्तन काफी आया, बहुत परिवर्तन आया। परिवर्तन का आपको बताऊंगा कोई चीज, एक तो चीजें बताता हूँ। सो आई वॉज अ बिग टाइम पार्टी एनिमल, मुझे नई जगहों पे जाना बहुत पसंद था एंड आई यूज टू ड्रिंक, मैं अल्कोहल पीता था। तो ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, ये मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये बात है 2013 तक की। तो ऑल्टरनेटिव डे बाहर कहीं जगह पे जाना, वहां पे ड्रिंक कर। मैंने, मुझे याद है मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो लंदन में रहता है और वो आने वाला था मुझसे मिलने के लिए। तो जब जिस दिन मैंने पहली बार योग किया था, ये अब सोचता हूँ तो बहुत मैजिकल लगता है, तब नहीं लगा था, अब सोचता हूँ तो लगता है कि ये इतना बड़ा तो यही मैजिक था, तो मुझे क्यों नहीं विश्वास आया कि मुझे कुछ मिल गया है। जब पहली बार योग किया, एक बार योग किया है एंड उसके बाद आई नेवर ड्रैंक। एक बार योग करने से मुझे अनुभव मिल गया और मुझे ऐसा फील हो गया कि अगर मैंने ड्रिंक किया तो ये जो मेरे अंदर मैं फील कर रहा हूँ ये खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे मेरा बेस्ट फ्रेंड आया और हम तो हमेशा ड्रिंक करते थे, तो वो बोलता है कि ड्रिंक, तो मैंने बोला कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करने वाला। मुझे क्या हो गया, मैंने बोला मुझे कुछ बहुत बहुत प्रेशियस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। तो अब देखता हूँ तो कुछ क्रेविंग क्या, कुछ नहीं, कभी भी नहीं, मन में कोई ख्याल नहीं, इट्स गॉन। किसी जैसे कोई शक्ति ने, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है वो डस्ट को खींच देता है ना, वो वैसे रिमूव हो गया। फिर उसके बाद 3 साल का जर्नी बहुत योग युक्त थी, अच्छी थी, बहुत मजा आया मुझे, मैंने ओन किया उसको अपनी लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मुझे जो व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ इज समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल। बट देन एक दिन मैं योग कर रहा था और मुझे अंदर एक आवाज, क्लियर आवाज, अब इसमें ना आपको बहुत फनी लगेगा, मुझे भी फनी लगता है, क्लियर आवाज, सनी, छोटी मोटी, बिल्कुल साफ आवाज कि आपको योग का सिर्फ, आपको योग से सिर्फ मजा करना है खुद के लिए, या आपको अपने योग से किसी को बेनिफिट करना। मैंने बोला बेनिफिट तो करना है, कैसे करूं।
तो मुझे योग में क्लियर विजन दिखा, क्लियर क्लियर पिक्चर कि आई एम कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, यंग फेसेस, छोटे बच्चे 15, 20, 18 ऐसे. मैंने बोला बाबा आपने मुझे ये क्या दिखाया है, जो ये मेरे सेंटर की पिक्चर से तो बिल्कुल अलग है, वहां ऐसा कोई मैंने तो देखा नहीं ऐसा सोल, इतने एज के बच्चे वहां तो आते नहीं है, मैं कहां जाके सेवा करूं. पर मुझे वो क्लियर विजन दिखा, तो मुझे इतने डीपली वो एक्सपीरियंस है. मैं सोचता रहा ये मुझे क्या क्या बाबा ने दिखाया है, कुछ प्लानिंग नहीं. ये लॉकडाउन की बात है, 2020 की बात है. तो क्यों दिखा, क्यों दिखा, हिम्मत करके मैंने बोला दिखाया है तो कुछ मीनिंग है. दीदी को कॉल किया, सेंटर के बड़े दीदी को कॉल किया कि मुझे योग ने ऐसा विजन दिखाया है, बाबा कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को, यंगस्टर्स की सेवा करनी है, कोई प्लानिंग नहीं, पूरे जोश के साथ यंगस्टर्स की सेवा करनी है. दीदी कहते कैसे करोगे यंगस्टर्स की सेवा, मैंने बोला ऑनलाइन, ऑनलाइन करेंगे. कोर्स कैसे बनाओगे, मैंने बोला मैं बनाऊंगा, मैं ऑनलाइन बनाऊंगा. बाबा ने कैसे वो शक्ति भरी, एक महीने में अभी जो हमारा 6 डेज कोर्स है उसको पूरा डिजिटली मैंने खुद बनाया. अभी देखो डिजाइनर भी शायद बाबा ने इसलिए बनाया, वो सॉफ्टवेयर भी मुझे शायद इसलिए सिखाया. तो एक महीना लगा, दीदी ने बोला पहले मैं कोर्स देखूंगी, उसकी क्वालिटी को देखूंगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करूं. मैंने बोला हाँ जी. एक महीना पूरा दिल से वो पूरा कोर्स बनवाया बाबा, फिर जाके ऐसे दिल मेरा धड़क रहा है दीदी को कैसा लगेगा. पूरा कोर्स दीदी को दिखाया, दीदी बहुत खुश हुए. दीदी बोले ठीक है हम इसको ऑनलाइन करते. हमने पहली बार एक ऑनलाइन कोर्स इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे हमने कहा कि हम योग सिखाएंगे आपको, और उसमें लगभग 220 आत्माएं जुड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड. पहली बार इतनी एनकरेजमेंट बाबा ने दी, 220 आत्माएं जुड़ी, सारी तरह की, सब एज के सोल्स थे उसमें, बहुत सारे यंगस्टर्स. और उसके बाद मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस करने शुरू की सेंटर की सेवा. फिर हितेश भाई मधुबन से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारा एक इनिशिएटिव है बेफिक्र पतंग, आप उसको संभाल पाओगे, मैनेज करोगे, उसको संभालने के निमित्त बनोगे. मैंने बोला मैं जरूर कोशिश करूंगा. तो अभी उस प्लेटफॉर्म को 1.5 साल हो गए, और वो जो सोल्स उस प्लेटफॉर्म पर आए हैं ना, वो मुझे उनको देख के लगता है कि ये कभी सेंटर जाते ही नहीं, अदरवाइज कभी नहीं जाते, इनके मन में ख्याल नहीं आता. कोई जिम में होता है, कोई जॉगिंग कर रहा होता है, कोई ड्राइव कर रहा होता है, कोई किसी का कनाडा में होंगे तो उनका रात का टाइम होता है, किसी का दिन का बहुत जल्दी का टाइम होता है. और सारे ही यंगस्टर्स, सेवा करने वाले भी सब यंगस्टर्स हैं, अटेंड करने वाले भी सब यंगस्टर्स हैं. तो सिर्फ ये 2 साल को ही देखता हूँ तो इतना मैजिकल लगता है कि कैसे बाबा ने मुझे वो आवाज सुनाई, जो कि सोचे तो कितना फनी है कि आवाज कैसे आ सकती है. वो विजन दिखाया, सोचे तो कितना फनी है कि कैसे दिख सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल पूरा करके दिखा दिया. राइट. सो जैसे कि वो हमेशा से अनुभूति थी ना कि ये आपके लिए थोड़ी ना है, आपको इतना सारा चाहिए क्या. हम कहते तो हैं कि हमें पुरुषार्थ हमारा जीवन भर चलता है, बहुत गहरा पुरुषार्थ हो जाता है, फिर हम बहुत सेटलनेस पे उतरते हैं, बिकॉज छोटी छोटी चीजें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम सेट कर लेते हैं, फिर छोटी छोटी चीजों में बहुत टाइम जाता है. लेकिन फिर भी वो तो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हर आत्मा का सेवा के भाव से, सेवा के पार्ट में एक रोल है. जरूरी नहीं है कि हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत लंबी सभा से या बहुत सारे लोगों से जुड़ना है. मे बी आपका रोल आपकी फैमिली के 4 लोगों को परिवर्तन करना है. मे बी दैट इज योर रोल फॉर दिस अर्थ. मे बी आपका रोल आपके पड़ोस में किसी बहुत दुख के व्यक्ति को कुछ देना है, आपको नहीं पता, लेकिन आपके रोल को आपको समझना पड़ेगा. और वो रोल है जो आपने, सो वो अपने में हम सबको अवेयरनेस जरूर लेकर आनी है कि
मुझे जो मिला है ये किसके लिए मिला है, ये सिर्फ मुझे मेरे लिए नहीं मिला, आई हैव टू मेक माई सेल्फ यूजफुल। और वो तब आता है जब हम बाबा के जैसा बनना शुरू कर देते, जब हम सिर्फ फिलोसफिकली बोले नहीं किसी चीज को, बट वो रेडिएट होना शुरू है। सपोज कि मेरा मन का जो हालत है वो बहुत खराब है, मूड मेरा पूरा दिन खराब ही रहता है, आई एम ऑलवेज इरिटेटेड, आई एम नेवर हैप्पी, आई एम नॉट लवेबल टुवर्ड्स अदर्स, और फिर मैं कहूँ आई डोंट ईट आउट बिकॉज यू नो आई हैव टू मेंटेन, आई बिलीव इन गुड वाइब्रेशन, और सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि अपनी वाइब्रेशन आप पहले चेक तो करो इससे। लेकिन अगर हमने अपने पे काम किया हो, अगर हम वो रेडिएट करना स्टार्ट कर दें, हमने उसको प्रैक्टिकली समझा हुआ हो, तो एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन तो एक ऐसी चीज है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा। आपको मैं एक चीज बहुत खुशी से बताऊंगा कि मुझे ना किसी ने पूछा सेंटर में मैंने कोर्स करवाया किसी को, तो इतना प्यार से कोर्स करवाया, एंड वाले दिन ना वो मुझे बहन थे, वो भी आई थिंक मस्ट बी लाइक यू नो इन 25-ish 30-ish, सो मुझे पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपका लोग मजाक नहीं उड़ाते। बोला मजाक उड़ाते मतलब, मुझे बहुत ऐसे हैरानी मिली, मतलब बोलते कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, ऐसे तो कोई होता ही नहीं है तो आपको मजाक उड़ाते हैं। मैंने बोला अगर ऐसा रेयरली होता है और ये यूनिकनेस है तो यूनिकनेस को तो अप्रिशिएट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बोलते कि नहीं मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं जब मैं ऐसी स्पिरिचुअल बातें करती हूँ। मैंने बोला कि आपने अभी क्लैरिटी से समझा नहीं है, कौन कौन मजाक उड़ाएगा और किसी की हिम्मत कोई मजाक उड़ाए, इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात। अपने मन का ख्याल रखना, अपने आप में अच्छी वर्च्यूज भरना, जो हम ओरिजिनली हैं अपने आप को वो बनाना, इसमें मजाक उड़ाने की थोड़ी ना बात है, ये यूनिकनेस है, ये तो मेरा भाग्य है कि मैं ऐसा। आपको मजा आता है खाने से, वेब सीरीज देखने से, दूसरों की बातें करने से, मुझे परमात्मा ने ऐसा जीवन दिया कि मुझे वक्त नहीं है ये सब चीजें करने, मेरे पास वक्त है ज्ञान के लिए, योग के लिए, रिश्ते हैं तो वो भी दिव्यता से भरे हुए, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। ये भी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है ज्ञान, हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, क्या दिखाना क्या चाहते हैं, उस पे बहुत डिपेंड कर। जब हम चीज को अच्छे से समझते नहीं हैं और उससे पहले बेनिफिट नहीं लेते बट उसका सिर्फ प्रचार करते हैं, तो उसमें लैकनेस की वाइब होती है। हमारा अगर कोई मजाक उड़ा रहा है ना, अगर कोई हमारी बात को आज समझ नहीं पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अभी हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में कमी जरूर है। ये हार्श है थोड़ा समझना, अपने आप के साथ हार्श नहीं होना चाहिए, बट ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम वाकई में बाबा के साथ उस एकाग्र स्थिति में, उस एकर स्थिति में हैं, और हम किसी आत्मा को बोले ना कि जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मुझे परमात्मा देते हैं, वो बहुत वैल्यूबल है, आप उसको अपने जीवन में लेकर आइए, आप योग किया करो, आप सुबह जल्दी उठ के थोड़ा टाइम अपने माइंड को फ्रेश किया करो, वो बहुत जरूरी है। जो क्या क्यों नहीं समझ, जरूर समझ। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा रेमंड में इंटरव्यू था, तो जो मेरी रिपोर्टिंग मैनेजर थी, सारी चीज होगी वो थी रियली लाइफ एंड एवरीथिंग, तो मैंने अपने सीवी में भी लिखा हुआ था कि आई एम अ मेडिटेटर एंड आई मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो बोलती है कि डू यू ड्रिंक, ऐसे कर, मैंने बोला नो आई डोंट ड्रिंक, तो बोलती है शिट यू डोंट ड्रिंक, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द पार्टीज, नो फन यार, आप ड्रिंक ही नहीं करते। तो पहली तो उन्होंने मुझे क्या बोला, एटलीस्ट ट्राई वंस, यू नो व्हाट व्हाट इज देयर इन ड्रिंक, एक बारी ट्राई तो करो,
मैंने अपना फेसबुक खोला, अपनी पुरानी फोटो निकाली, मैंने उनको दिखाया, मैंने बोला मैंने तो ड्रिंक किया हुआ है, आई नो व्हाट इट इज. आई सेड यू शुड ट्राई मेडिटेशन वंस, एक बार योग करके तो देखो. तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, ईगो वाला जवाब दिया, बोलते हैं मेडिटेशन इज नाइस बट आई डोंट नीड इट, ऐसे अभिमान. मैंने बोला दैट इज सो गुड दैट यू डोंट नीड इट बट आई रियली नीड इट, आई नीड इट एवरी डे. उन्होंने बोला ओके. तो हम मैंने टीम को ज्वाइन किया, एक साल बीता, एक साल में ना हम सबका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया वहां, मेरे साथ सबका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, मेरा भी बहुत प्यार था सबके साथ. तो उन्होंने ना हमें अपने घर पे इनवाइट किया, हमारी मेरी मैनेजर, शी सेड कि आपको नाइट ओवर के लिए सबको हमारे घर पे आना और वहीं पे रुके. हम लोग वहीं पे रुके. तो सुबह मैं तो जल्दी उठा, वो भी जल्दी उठी 5 बजे, तो मेरे पास आए, क्या बोलती है, दिनेश स्प्रेड गुड वाइब्रेशन इन माई हाउस, स्प्रेड योर पॉजिटिव एनर्जी इन माई हाउस. पहले तो ये बोला, देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन अवर हाउस, यू नो अच्छा नहीं लगता है, कंटेंटमेंट नहीं लगती है, सो जस्ट स्प्रेड गुड वाइब. पहले तो ये बोला, फिर वो गई आई थिंक कॉफी वगैरह पी, फिर आई, कैन यू टीच मी मेडिटेशन, यस व्हाई नॉट. उनको एक साल लगा मुझे योग नहीं चाहिए से कैन यू टीच मी मेडिटेशन बोलने में, लेकिन वो एक साल में हुआ क्या, शी ऑब्जर्व्ड मी. अगर मेरी रियलिटी नहीं मैं बनाऊं, ये भी हमें ध्यान रखना है. कई बार हम ऐसा समझते हैं कि शायद ये इतनी कूल चीज नहीं है, तो हम ज्ञान ज्ञान वाली आत्माओं के साथ ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन जो ज्ञान में नहीं है उनके साथ हम उनके जैसा बन जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा गलत चीज है, वो सबसे ज्यादा डिसर्विस है. हम एक रहे हर वक्त हमेशा, क्यों हमें लेयर्स नहीं चाहिए, बाबा को लेयर्स वाले बच्चे पसंद भी नहीं. आई ओन माई ट्रूथ एट ऑल टाइम्स. मैंने ऑफिशियल मीटिंग्स में, एचआर के साथ मीटिंग्स में भी बाबा की बात की हुई है, बिकॉज वो सबको चाहिए आज के टाइम, सबको पीस, प्लेजेंटनेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, यही तो है जो आज समाज सबसे ज्यादा जूझ रहा है इसी. और हम संग शर्माते रहे. मुझे प्राउड है कि मैं मेडिटेटर हूँ, मुझे प्राउड है मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ, मुझे अवेयरनेस है, मेरा जीवन सिर्फ इसी चीज के लिए थोड़ी ना है, मुझे अपने जीवन को यूजफुल बनाना है. सो, देखो कितनी खुशी लगी ना मुझे उस दिन, मुझे लगा कि मैंने कुछ बड़ा जैसे टेस्ट पास किया, कि उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, एक साल ऑब्जर्व किया, राइट. तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि व्हाट यू स्पीक, आप बोलते नहीं हो, आप में ना वो वैल्यूज हैं. मैंने देखा कि आप वाकई में, पता है क्या क्या हुआ उसमें, एक बहुत बड़ी चीज हुई थी. सो मेरे ना, मेरी जूनियर थी, बहुत टैलेंटेड थी, तो मैं हमेशा उनसे पूछता था कैसे करना है, हम मिलके काम करते. तो मेरी मैनेजर मुझे हमेशा कहती थी कि थोड़ा अथॉरिटेटिव बनो, यू नो शी इज योर जूनियर, हर चीज में उसको मत पूछो, अपना डिसीजंस खुद लो और थोड़ा बस उसको इंस्ट्रक्ट करो और अपना काम करो. तो फिर मैंने उनको बोला था कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, जैसे रिजल्ट तो बिजनेस की ग्रोथ चाहिए. तो मैंने बोला आप प्रोसेस मुझे मेरे हिसाब से करो, बिकॉज ये तो मेरा नेचर नहीं है रूड होना, ये मैं हो नहीं सकता. लेकिन अगर बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी तो तब मैं आपकी बात मानूंगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी तो आप मेरी बात मानेंगे. तो बिजनेस की ग्रोथ हुई, क्यों मुझे उसको डिमीन करना है, कौन मैं कौन हूं भाई उसको अपने आप से छोटा समझने वाला, राइट. सो अगर हम प्रैक्टिकलिटी से देखें ना, मुझे हर, हम सब का अपना एक रोल है. मुझे मेरा रोल बहुत पसंद है जिस तरीके से बाबा ने दिया, बिकॉज वो इन मिड्स ऑफ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मेरे को बाबा ने बिल्कुल बीच में रखा है उसे, और मुझे कभी साइन भी नहीं दिया कि इसको छोड़ना है. बाबा ने बोला आपको सब कुछ करना है, आपको रिश्ते भी निभाने हैं, आपको काम भी करना है, आपको प्रोग्रेस भी करना है लाइफ में,
लेकिन मुझे साथ रख के करो, मैं देखता हूँ आप मुझे कैसे छोड़ते हो। बाबा ने ऐसा टेस्ट दिया हुआ, तो मैंने हमेशा उसको प्रायोरिटी रखा, हमेशा प्रायोरिटी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। हम जब सेवा की भी बात करते हैं ना, हम बहुत लार्जर एस्पेक्ट पे देखते हैं, बहुत सारे सोल्स को ज्ञान देते हैं। जो हमारे घर में हमारे साथ जो भी हमारा रिश्ता हो, कोई हमारा स्पाउस है या कोई हमारा बच्चा है, जो भी रिश्ता हो, क्या हमारा सबसे पहला कर्तव्य उस आत्मा को बदलना नहीं है? हमें कुछ भी करके, जैसे मैं पंजाबी हूं तो पता है मैंने गुरबानी पढ़ी नहीं थी पहले, अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए मैंने पूरी गुरबानी भी पढ़ी, बहुत डीपली पढ़ी, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं उन्हें पंजाबी में कोई बात समझाऊंगा ना जो गुरु नानक देव जी ने कही है, उनको ज्यादा समझ आए, क्योंकि उनको उन पर तो उनको ऑलरेडी ट्रस्ट। सो हमें हमारे परिवार में हमारे आसपास के लोगों को जरूर जरूर हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये एलिवेट हो जाए, इनका जीवन बेटर हो जाए। ट्रिक्स हमारी अलग अलग होनी चाहिए, वी हैव टू डू दैट फॉर आवर लव्ड वंस। हमारी प्राप्ति, हमारा जो बाबा हमें जो देते हैं, वो सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, मेरे घर में तो सबसे पहले वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन आई ट्रूली लिव ऑन दोस वैल्यूज प्रैक्टिकली बाय अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, नॉट जस्ट बिकॉज वो बाबा ने बोला है और मैंने वो मान लिया। वो मुझे समझ आए कि वो क्यों बोला है, उसका पर्पस क्या है। सो आज आप सब इन तीन चीजों पे प्लीज रिफ्लेक्ट करना, जान करना। और आज हमारे इस सेशन के थ्रू, मेरे आपके साथ मिलने के थ्रू, एक चीज मैं जो चाहता हूँ कि हमेशा आप जो इस मीटिंग से याद रखो कि जब दिनेश भाई आए थे तो उन्होंने क्या बताया था, तो बस आप ये याद रखना कि दिनेश भाई ने ये बताया था कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी के साथ हमें जीवन में कराना है। हमें अब वो वाला बच्चा नहीं बनना कि जो सिर्फ बात को मान तो रहा है बट मानना तो है उसको खुद नहीं पता ना। बहुत अच्छी बात है बाबा ने कहा है बाहर नहीं खाना बच्चे, और मैंने कहा ठीक है बाबा मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि जब मैं उसको प्रैक्टिकली समझूं क्यों नहीं, क्यों बाबा ने बोला, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रैक्टिकल रीजनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप ज्ञान में हो, आपके घर में दो आत्माएं हैं जो बहुत ही साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक, ठीक है, सिर्फ उनको बताने के लिए ना गूगल पे जाकर जो बाबा ने बताया है फूड इज एनर्जी, उसको उसकी बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन ढूंढो, बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन ढूंढो और फिर बताओ। एक साइंटिफिक डेफिनेशन है ना इसकी, अनियन एंड गार्लिक की, कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम से एंगर के हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं अनियन एंड गार्लिक से, कितने साइंटिफिक अप्रोच है। तो वो आत्मा क्या बोलेगी, अरे वाह सच अ साइंटिफिक रीजनिंग यू हैव, युक्ति से होती है सेवा। अब मेरी सेवा करने का एक ढंग हो, अब मैं बोलूं मुझे बाबा मिला है, अब मुझे कोई बोले कॉर्पोरेट में जाओ वहां मुझे बाबा मिला है, वो कौन है ये आदमी, बाबा मिला है मुझे उनके हिसाब से बताना है। मैं बोलूंगा आई एम इन टच विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, एक ही चीज है। अच्छा दूसरी, आपको बहुत आपका जो रिसेंट अनुभव है वो बताता हूँ, ये तो मेरे लिए भी बहुत प्यारा अनुभव। आज से लगभग 4 महीने पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक ऐप ने अप्रोच किया, उसका नाम है आयू, आप सब उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो एप्पल पे भी है और एंड्रॉइड फोन्स पे भी है। सो इट्स एन इंटरनेशनल योगा ऐप। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेडिटेशन टीचर के लिए हमने रीच आउट किया है, वुड यू बी एबल टू डू लाइव मेडिटेशन फॉर अस। सो वो जो मेडिटेशन है वो यूके, यूएस और कैनेडा और इंडिया, इन चारों देशों में लाइव होती। मैंने बोला मुझे बहुत मजा आएगा, मैं जरूर करूंगा, और इट्स अ पेड सर्विस, उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं।
वो अच्छे पैसे मिलते हैं. सेवा तो हमारा भाव है बट उसमें उसमें तो फी भी है. तो मन में ना एक शंका थी, शंका नहीं तो थोड़ा सा डाउट था कि मैंने तो योग को कोई ऐसा ट्रेन, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड मेडिटेशन टीचर, ऐसा नहीं है. मैंने जाके ट्रेनिंग दी है, मुझे बाबा ने बस अनुभव दिया है, मैं तो उस अनुभव से योग करता हूँ. तो मैं मेडिटेशन कैसे करवाऊंगा, बिकॉज मुझे तो मैसेज वो ही देना है. मैं तो नहीं हूँ ऐसा व्यक्ति मैन्युपुलेटिव कि यहाँ पे कुछ और बोलूँ, वहां पे कुछ और बोलूँ. बाबा ने उस प्लेटफॉर्म पर जैसे जैसे मुझे मेडिटेशन करवाई, और मैं खुद करके हैरान होता कि मैंने क्या कर दिया. सेम नॉलेज, सेम दैट आई एम द सोल, आई एम द बीइंग, ही इज द डिवाइन सोल, ही इज द सुप्रीम सोल, उसको क्या सुंदर शब्दों में, जो शब्द मेरी मेरी डिक्शनरी में भी नहीं, और किस तरीके के वैसा ही एक्सेंट चेंज हो जाता है, वैसा ही मैं बोलने लग जाता हूँ. तो ये बाबा पे हमारा निश्चय है, क्योंकि आज तक मैंने ये नहीं कभी बोला कि सेवा हम कौन है, हम कुछ नहीं कर सकते. 0% हमें टैलेंट है, 0% हमें गुण है, वो बाबा हमको पत्थर से हीरा बनाते हैं, वो उनकी ग्रेस. आज का भी जो था आपके साथ पॉइंट शेयर किए, बाबा ने सुबह अमृत वेले के बाद टच करवाए 3 पॉइंट. हमेशा मेरा निश्चय होता है कि बाबा आपको ये करवाना. तो वो इंटरनेशनल लेवल पे सेवा इतने प्यारी हो रही है, और उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रणबीर कपूर जो एक्टर है, उनकी जो सिस्टर है रिद्धिमा कपूर, वो उस ऐप की ब्रांड एम्बेसडर. तो एक दिन मुझे जो सिस्टर मेरे साथ टच में है, उन्होंने बोला कि हमारे सीईओ को आपसे बात करनी. मैं ऑफिस में था, मैंने बोला हाँ जी. तो उनके सीईओ ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू कि अवर ब्रांड एम्बेसडर रिद्धिमा कपूर अटेंडेड योर मेडिटेशन एंड शी हैड अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, और उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने, आपकी वजह से उनको पहली बार इतना पीसफुल फील हुआ. राइट right? सो देखो बाबा हमको, अगर हम अपने आप को उनको, अपने आप को निमित्त बना दे, तो वो हमारे अंदर जो नई भी होगा वो भी ट्विक करके हमें वो भर के उसको प्रेजेंटेबल बना देते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से. सो अब मैं वहां जाके भी यही बोलूं मुझे बाबा मिला है, तो क्या मेरी युक्ति की सेवा होगी? वहां पे मैं बोलूंगा डिवाइन कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दिस इज जो हमारे शब्द है वो. अच्छा, आप सबको ना एक बहुत और सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. सिस्टर शिवानी की भी एक ऐप है, सबको पता है, thinkright.me, यही है. मैं आपको एग्जैक्ट नाम बताता हूँ ताकि आप इसको सर्च भी करो तो thinkright.me. जिस ऐप के लिए मैं काम करता हूँ, उस ऐप का नाम है आयु, AAYU, किसी सोल ने पूछा था. और सिस्टर शिवानी की ऐप है thinkright.me. आपको पता है सिस्टर शिवानी ही उस ऐप की फाउंडर, और उसमें सिस्टर शिवानी की भी मेडिटेशन है. लेकिन अब वो मेडिटेशन किसके लिए है? पूरी दुनिया के लिए. जिसको मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके लिए है. तो वहां पर वो बाबा की ही नॉलेज को कितने एक अलग रैपर में डालकर उसको प्रेजेंट कर. सो ये जो युक्ति, ये कैसे हमें अपने आप को किस आत्मा के हिसाब से चेंज करके उनको अब कोई चीज कैसे प्रेजेंट करनी, राइट? जैसे कि बच्चों को लौकी पसंद नहीं होती, तो मदर्स लौकी को किन अलग अलग तरीकों से बनाती, जो जो तरीका बच्चे को पसंद है वैसे खिला दी, राइट? लौकी पसंद नहीं है, अच्छा आप कोफ्ता खा लो, आप मलाई कोफ्ता खा, राइट? सो हमको बताना तो यही है कि भाई परमात्मा से जुड़ो. अगर कोई परमात्मा के नाम से दूर भागे तो उसको क्या कहो? यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ो. यू आर एन एनर्जी, कनेक्ट विद यूनिवर्सल एनर्जी. अरे 2 मिनट में आ जाएंगे, राइट? जैसे कि आजकल टर्मिनोलॉजीज है मैनिफेस्टेशन, राइट? मैनिफेस्टेशन क्या है? अच्छे भाग्य को अट्रैक्ट करो, तो हम मैनिफेस्टेशन बोलेंगे, right? तो ये प्रैक्टिकल है हमारा वे ऑफ लिविंग. हमें थोड़ी ना बनना है वो कि हमको देख के सब बोले रही कौन बुद्धू है, कौन बुद्ध है. हमें वो नहीं बनना. वी डोंट हैव टू फॉल इन दैट कैटेगरी. आप सब हो जहां वो प्रेम से हम बाबा कहते हैं, वहां हम बाबा ही कहेंगे. लेकिन जहां
उस शब्द की अभी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, वहां पे मुझे वहां के हिसाब से किस तरीके से उस चीज को बताना है वो मुझे जरूर आना चाहिए। सो अपने आप को हमेशा बहुत 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 भाग्यवान हमें समझना है, अपनी ट्रुथ को, अपने गिफ्ट को एम्ब्रेस करना है। जो बाबा ने हमें दिया है वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी, सबसे डीप, सबसे वास्ट चीज है। हमें क्या मिला है वो हमें हमेशा नशे में रख। जहां आज आत्माएं खुशी को अनुभव करने के लिए किस किस एक्सटेंड तक जाती है, कितनी मेहनत करके उनको वो खुशी प्राप्त होती है, फिर कैसे वो खुशी कितने कम वक्त के लिए प्राप्त होती है ना। तो हमें बाबा वो खुशी का अनुभव देते हैं, वो फुलफिलमेंट का अनुभव देते हैं, लेकिन वो सारी चीजें ना कनेक्टेड हैं। ये जो तीन चीजें हैं ये आपस में बहुत कनेक्टेड है। मुझे क्या मिला है, मुझे क्यों मिला है और किसके लिए मिला है। जब मुझे ये समझ आता है कि किसके लिए मिला है, जब मैं उस गिफ्ट को यूज करके अपने आसपास जीवन को, लोगों के जीवन को परिवर्तन होते देखता हूं, तो मेरा निश्चय मुझे क्या मिला है उस पर और बढ़ जाता है। अभी पर्सनल काउंसलिंग करता हूं तो कई बार केसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी होते, समझ ही नहीं आता कि लगता है कि वाकई में इनकी जीवन में काफी बड़ी परिस्थिति। फॉर एग्जाम्पल एक परिस्थिति आपको बताता हूं। एक आत्मा थी, एक आत्मा है जो ना बहुत ज्यादा पैशनेट थी काम के लिए, एंड शी वाज ऑन अ वेरी गुड पोजीशन इन सम बैंक, वेरी गुड पोजीशन, मार्केटिंग हेड आई। उनका जीवन का लक्ष्य ही काम करना था। शी हेटेड बीइंग अ हाउसवाइफ, कहती थी प्रोग्रेस, पोजीशन, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, ये सब उनकी, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत खराब, बहुत देर कम सोते थे, बहुत ड्रिंक, बहुत स्मोक। सो वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रेवल कर रहे थे, कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे। एयरपोर्ट पर उनको ब्रेन में अंदर बहुत प्रेशर फील हुआ, थोड़ा फेंटेड फील हुआ, बट क्योंकि फ्लाइट बोर्ड करनी थी तो इसी तरीके से अपने आप को संभाला, पानी वानी पिया, घूमने गए, वहां पर भी सरदर्द बहुत होता था, किसी तरीके से वो दिन निकाले। इंडिया आए तो उनको पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक आया। डॉक्टर ने बोला आपको आपके लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक करना होगा, स्ट्रेस नहीं ले सकते, टाइम पे सोइए। उन्होंने किया, एक दिन वो सो रहे थे, सोते सोते सेकेंड ब्रेन स्ट्रोक आया। जब सेकंड ब्रेन स्ट्रोक आया तो उनकी साइड विजन, आंखों की जो हमारी साइड विजन होती है वो चली। अभी वो सिर्फ एक लाइन के जैसे सीधा देख पाती है, ऐसे हो। जो आत्मा इतनी प्रोग्रेसिव थी, करियर को लेकर बहुत पैशनेट थी, उनकी जीवन का पहली कंडीशन ये है कि आप जीवन भर काम नहीं कर सकते। आप सोचो एक व्यक्ति आपको कहे कि आप जीवन भर जॉब नहीं कर सकते, आप घर के बाहर अकेले नहीं जा सकते, आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते अकेले। एक इंसान जिसके पास पोजीशन है, धन है, इतने सारे लोग उनके अंदर हैं, एक दिन में, एक मोमेंट में वो, उनको ये कहा गया कि आप काम नहीं कर सकते। आप सोचिए उस आत्मा के मन की हालत। योग क्या है, परमात्मा क्या है, दूर दूर तक ना रुचि है ना अनुभव है। अब ऐसा कोई केस आता है तो मैं बाबा को बिल्कुल सरेंडर करता कि बाबा इस आत्मा को आप हो, आप में भी एक आनंद है, वो इसको आप कैसे फील कराओ, ये आप पर। और फिर ऐसी आत्माओं को बाद में उनका मुझे मैसेज आता है कि मुझे बहुत प्लेजेंट पीसफुल फील हुआ, इतना पीसफुल नहीं फील हुआ था कभी, मुझे सीखना है, मुझे योग सीखना है, मुझे जानना है जीवन का मकसद क्या है, मुझे पहचानना है अपने आप को मैं कौन हूँ।
मैंने उनको बोला कि आप जब तक कर रहे थे वो तो सर्वाइवल एस्पेक्ट था, वो सर्वाइवल था आपके जीवन का। एनहेंसमेंट तो शुरू ही तब होती है जब खुद पर काम करना शुरू करते। सो बाबा पे जब हम निश्चय करते हैं और उसको ये मन में भाव रखते हैं ना कि इसके बारे में बताना है, ये अवेयरनेस फैलाने के मुझे निमित्त बनना है, तो वो अपने आप हमें युक्तियों से भर दे। ठीक है, सो पाठ पक्का यही है कि हमारा ज्ञान कोई ऐसी नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है नहीं, इससे सच में जीवन में परिवर्तन आता है और ये जरूरी है परिवर्तन लाने के। बाबा ने उसे बहुत मंत्रों में, संस्कृत में, पहेलियों में, कविताओं में नहीं समझाया, बस सीधा डायरेक्ट बोला बच्चे ये धारणा करो तो तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हमने सोचा कि बड़ी कोई बड़ा पहाड़ है जो हमें चढ़ना, नहीं, फोकस बाबा पर है, मुझे मिलता क्या है उस पर है, ये अपने आप निकलते हैं चीज। घर में सुंदर फर्नीचर आ जाए, पुराने फर्नीचर अपने आप निकालना पड़ेगा ना, लेकिन उसके लिए नया फर्नीचर लाना पड़ेगा। वो आता है तो पुराने को ऑटोमेटिकली हम रिमूव करने का सोचते हैं। किचन में आपके यूटेंसिल्स, आपकी डिनर प्लेट्स हैं, अब किसी ने आपको नई डिनर प्लेट दे दी जो बहुत ही सुंदर है, फिर ही तो पुरानी को साइड पे करते हैं ना, इनकी जरूरत नहीं है। पहले तो आप उसी को ही मानते थे कि इसके बिना खाना कहाँ पर खाएंगे, यही तो प्लेट्स हैं हमारे घर। देन योर फ्रेंड कम्स एंड शी गिव्स यू अ न्यू डिनर सेट, अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, इसको हटाओ पुराने को। और यही हमारे साथ होता है, अभी तक तो बिलीफ यही था, मुझे तो कुछ सोल कहते हैं बहुत कम है, ज्यादातर सोल्स तो पता है मेरे खाना सब खाते हैं, कहते कि तो पता नहीं चलता इसमें अनियन एंड गार्लिक नहीं है, लेकिन कुछ सोल होते कहते हैं मजा नहीं आता प्याज के बिना, यार मजा ही नहीं आता। मैं कहता हूँ मुझे तो मजा चाहिए ही नहीं, मैं ऑलरेडी मजा बहुत है, खाना मजे के लिए खाते हो क्या, मुझे तो नहीं खाना मजे के लिए, मैं योग करो मजे के लिए, राइट। सो पहले कुछ मिलता है तो कुछ गलत छोड़ते हैं ना। सो जैसा कि मैंने कहा आज की क्लास से, मेरे साथ आपकी इंटरेक्शन से, बस ये याद रखना कि दिनेश भाई ने हमें कहा कि हमें स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ, बहुत उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ समझकर, ओन कर हमें चल, हमें उसको फोर फ्रंट पर रखकर चल। थैंक यू आप सबका, आपने इतने पेशेंटली मुझे ये मौका दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और आप में से